पुतिन के 2 साल यूक्रेन युद्ध में रूस के समर्थक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को खुले तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध में अगर पश्चिमी देशों ने अपना रवैया नहीं बदला तो परिणाम भयावह होंगे। सावे वाली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने पश्चिमी देशों में कुछ टारगेट सेलेक्ट किए हैं, वक्त आने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। बेलारूस की सरकारी न्यूज एजेंसी बेल्टा के मुताबिक लुकाशेंको ने कहा, पश्चिम को ये समझना होगा कि आखिर वे स्थिति को भड़काना जारी रखते हैं तो कोई भी हेलीकॉप्टर या विमान उन्हें बचा नहीं पाएगा। पुतिन और मैंने एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में कहा था कि हम बेलारूस के सुखोई विमानों को मॉडिफाई करेंगे ताकि वे परमाणु हथियार ले जा सकें। लुकाशेंको ने कहा, आपको लगता है कि हम बकवास कर रहे हैं, सब कुछ तैयार है। रूस की मदद से सुखोई 24 विमानों का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है ताकि इन्हें परमाणु हथियार ले जाने के योग्य बनाया जा सके। पायलट्स की ट्रेनिंग में भी रूस हमारी मदद कर रहा है, जरूरत पड़ने पर हमारे फाइटर जेट्स हमले के लिए रेडी हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उनकी चेतावनी को अनसुना किया गया तो जवाबी कार्रवाई के लिए पश्चिम में लक्ष्यों को चिन्हित किया जा चुका है। हालांकि लुकाशेंको ने यह नहीं बताया कि कितने लड़ाकू विमानों को परमाणु सक्षम बनाया गया है और ना ही उन्होंने अपने दावों के संबंध में कोई सबूत पेश किया। फिलहाल उनके बयान पर क्रेमलिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि मॉस्को में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के बीच गहरे सैन्य संबंध है। रूस अपने पड़ोसी देश बेलारूस का इस्तेमाल यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए एक मंच के रूप में कर रहा है। इसी बात को लेकर पश्चिमी देश बेलारूस के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बेलारूस भी पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहता है कि उसे हल्के में ना लें, उसने पलटवार किया तो पश्चिमी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 6 महीने बीत गए हैं। इस जंग में बेलारूस पहले दिन से रूस के साथ खड़ा है। बेलारूस ने अपना सैन्य अड्डा रूस के हवाले कर दिया है। बेलारूस के बेस पर रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति पहले भी एटमी वॉर की धमकी दे चुके हैं। पश्चिमी दुश्मनों से लड़ने के लिए रूस से एटम बम मांग चुके लुकाशेंको ने फिर से विध्वंसक चेतावनी देकर वैश्विक शांति को खूंटी पर टांग दिया है। बेलारूस के तानाशाह की धमकी इसलिए भी डरावनी है क्योंकि रूस के तमाम नेता न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। खुद प्रेसिडेंट पुतिन, उनके रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष से लेकर क्रेमलिन के अफसर तक पश्चिमी देशों को परमाणु हमले को लेकर धमका चुके हैं। रूस की एटमी आर्मी पहले ही अलर्ट मोड पर है। ऐसे में लुकाशेंको ने जब खुलेआम वार्निंग दी है तो तनाव का मीटर ऊपर है। देखना दिलचस्प होगा कि बेलारूस की धमकी पर अमेरिका और पश्चिमी देश क्या जवाब देते हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।